दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 4 महीने का समय पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। केस ड्रग मामले में आकर अटक सा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद से सीबीआई ने भी चुप्पी साध ली है। इस बीच शुरुआत से ही केस में सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह पर शक किया जा रहा था। दोस्तों आपको बता दें, शक के बुनियाद पर न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी ने उन पर कई आरोप लगाए, साथ ही कई स्टिंग ऑपरेशन भी करे। कई महीने बाद चुप्पी साधने के बाद आखिरकार अब संदीप ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अर्णव गोस्वामी पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। दरअसल संदीप सिंह के वकील ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वह बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर हैं और फिल्म मेकर हैं। चैनल पर काफी लंबे समय से उनके खिलाफ गलत खबरों को दिखाया जा रहा है, जबकि संदीप को यह चैनल तब से जानता है जब से सुशांत के करियर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, संदीप के वकील का कहना है कि चैनल ने सार्वजनिक रूप से संदीप को सुशांत की मौत का मास्टरमाइंड और खूनी कहा है। साथ ही अपने बयानों से सीबीआई की जांच की दिशा को बदलना चाहा। उन्होंने यह भी कहा कि चैनल पर दिखाई जाने वाली तमाम खबरें बस टीआरपी बटोरने के लिए चलाई और दिखाई जाती हैं। नोटिस में कुछ बातों का जिक्र किया गया है। चलिए आपको बताते हैं, संदीप सिंह के वकील के मुताबिक चैनल पर 31 जुलाई को स्मिता पारिक नाम की महिला को बुलाया गया था। इसमें महिला ने संदीप पर आरोप लगाया था कि उनके कहने पर सुशांत के शव को कूपर अस्पताल ले जाया गया था और उनके ही पीआर के किसी व्यक्ति ने सुशांत के शव की तस्वीर क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। नोटिस में दिशा सालियान के साथ उनके संबंध बताने, झूठे लोगों को चैनल पर बुलाने, उन पर गलत इल्जाम लगाने, सुशांत के ऑफिशियल पेपर्स रखने, हैशटैग अरेस्ट संदीप सिंह, संदीप को गिरफ्तार करने जैसी बातें शामिल की गई हैं। दोस्तों इन सभी आरोपों के चलते संदीप सिंह ने रिपब्लिक टीवी पर धारा 499 और 500 के तहत 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही उनसे माफी मांगी जाने की भी बात कही है। आपको बता दें, सुशांत, संदीप और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे तीनों ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। सुशांत की मौत वाले दिन संदीप को उनकी बहन मीतू सिंह के साथ अस्पताल में देखा गया था। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।